हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री हाई फाई यूट्यूब चैनल। आई एम सरिता, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होफमैन रीअरेंजमेंट। अर्लियर इन आवर चैनल वी हैव स्टडीड बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट एंड अनब्रोमोसक्सिनेमाइड। टुडे वी विल स्टडी अबाउट होफमैन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंटेंट वी विल स्टडी अबाउट Hofmann rearrangement, then we will study about its mechanism, then we will discuss about its stereochemistry, finally we will discuss about its applications, some more important applications of Hofmann rearrangement. So let's start. First of all, what is Hofmann rearrangement? A Hofmann rearrangement is a process in which amide जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी अमीन्स के अंदर। किसकी प्रेजेंस में होगा? होगा ये अल्कालाइन हाइपोहैलाइड की प्रेजेंस में। और जो अमीन बनेगा उसके अंदर एक कार्बन लेस होती है अमाइड के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल हेयर हमने लिया है अमाइड विच रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन से अल्कालाइन हाइपोहैलाइड, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस अमीन। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो ये अमीन बना है इस अमीन के अंदर इस अमाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन लेस है। इसी प्रोसेस को, इसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं होफमैन रीअरेंजमेंट। अब हमें ये देखना है कि जब ये होफमैन रीअरेंजमेंट होती है तो जो अमीन बनता है अमाइड से अमीन बनने के बीच में एक कार्बन का लॉस होता है। वो जो कार्बन लॉस होती है, जिस कार्बन का लॉस होता है वो कार्बन होती है अपनी कार्बोनिल कार्बन। Now, we will discuss about its mechanism. अब हम इसके mechanism को पढ़ेंगे। Mechanism जो होता है Hofmann rearrangement का, वो different steps को follow करता है। First step is bromination of nitrogen. Second step is the removal of acidic hydrogen from unhaloamide by hydroxide ion and rearrangement occur. And in step number third, involves hydrolysis of the intermediate isocyanate formed. So we will discuss its all step one by one here. First step, in first step जो आपका amide है ये amide react करता है bromine के साथ और unbromoamide की formation होती है। अब ये unbromoamide बनता कैसे है? अब यहाँ पर आपको पता है कि nitrogen के पास lone pair है, nitrogen का lone pair bromine पर attack करेगा, यहाँ से bromide loss हो जाएगा और unbromoamide की formation होती है। सेकेंड स्टेप के अंदर जो हमारा अनब्रोमोअमाइड बना था फर्स्ट स्टेप में वो फर्दर रिएक्ट करता है बेस के साथ। बेस हमने यहाँ पर ले रखा है हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो हाइड्रोक्साइड है बेस है तो आपको पता है कि बेस का काम होता है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये हाईली एसिडिक है। अब जो आपका बेस है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो नाइट्रोजन है इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि नाइट्रोजन इसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब आपको ये भी पता है कि जो चार्ज स्पीसीज होती हैं वो हाईली अनस्टेबल होती हैं। अनस्टेबल होने की वजह से जो ये आपका ब्रोमोअमाइड एनायन बना है ये अपने आप को फर्दर बॉन्ड को ब्रेक करवाता है। बॉन्ड को ब्रेक भी कैसे कराएगा कि जो आपका ये इधर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ निकल जाता है बाहर और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है नाइट्रीन की। अब आपको पता है कि जो नाइट्रीन होता है ये एक इंटरमीडिएट तो होता है बट इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है तो क्या करेगा, यहाँ पर जो नाइट्रीन बना है ये अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज कैसे करेगा कि जो अपना आर ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के पास और जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो मूव करेगा टुवर्ड्स कार्बन और यहाँ से जो है वो आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो होफमैन रीअरेंजमेंट होती है इसके अंदर आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है। अब जो आइसोसाइनेट बना था स्टेप नंबर टू के अंदर वो फर्दर
स्टेप नंबर थर्ड में उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर अमीन की फॉर्मेशन होगी। और हमने यही पढ़ा था कि जो होफमैन रीअरेंजमेंट है उसमें होता क्या है, अमाइड लेकर चलते हैं, वो अमाइड हाइपोहैलाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है और अमीन की फॉर्मेशन होती है। अमाइड से अमीन बनने के बीच में कार्बन का लॉस होता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिज्म में कि जो अमीन बना है इसके अंदर एक कार्बन की जो काउंट है वो कम है अमाइड के कंपैरिजन में। एंड जो होफमैन रीअरेंजमेंट होती है वो एग्जाम्पल होता है 1-2 शिफ्ट ऑफ ग्रुप का। होफमैन रीअरेंजमेंट के अंदर जो अपना ग्रुप है, ग्रुप मीन्स हेयर दिस आर ग्रुप, आर में भी अल्काइल और अराइल, ये जो अपना आर ग्रुप है ये शिफ्ट करता है। इन अर्लियर वीडियो वी सीन, सॉरी अर्लियर स्लाइड वी सीन हियर दैट दिस आर ग्रुप मूव फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। तो हेयर कार्बन इज वन एंड नाइट्रोजन इज टू, सो वी कैन से दैट दिस इज 1-2 शिफ्ट ऑफ आर ग्रुप। एंड वी नो दैट दिस आर ग्रुप में भी अल्काइल और अराइल। सो होफमैन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स ए 1-2 शिफ्ट ऑफ ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ होफमैन रीअरेंजमेंट। अब होता क्या है कि अगर हमने अमाइड जो लिया है वो अमाइड ऑप्टिकली एक्टिव लिया है, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव अमाइड लेकर चलेंगे तो जो अपना प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर जो कन्फिग्रेशन होगी अमाइड की, यानी कि जो आपका आर ग्रुप होगा उसकी जो कन्फिग्रेशन होगी उसके अंदर टोटली रिटेंशन होगा, कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन रहेगा। क्योंकि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हेलोजन आयन का लॉस होता है और अपना अल्काइल या अराइल ग्रुप का शिफ्ट होता है वो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली होने की वजह से जो अपना होफमैन रीअरेंजमेंट है वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो जो कन्फिग्रेशन होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रुप जिसको जिस बॉन्ड को ब्रेक होना था वो अभी ब्रेक हुआ नहीं है और जिस बॉन्ड को बनना था वो अभी बना नहीं है। यानी कि जो अपना ग्रुप है जिसको माइग्रेट करना था वो जिस पोजीशन से माइग्रेट करने वाला था और जिस पोजीशन पर माइग्रेट करके जाने वाला था दोनों से ही पार्शली अटैच्ड है। अब दोनों से पार्शली अटैच्ड है तो वो अपनी कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो होफमैन रीअरेंजमेंट के अंदर अगर हम अमाइड ऐसा लेकर चलते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो कन्फिग्रेशन होगी उसमें टोटली रिटेंशन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिया है एक एस कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल, हमने लिया है 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड। ये आपका एस कन्फिग्रेशन का है 2-प्रोपेनामाइड, इसकी हम रिएक्शन की ब्रोमीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से अमीन की फॉर्मेशन होती है। और जो ये अमीन बनता है ये 96% यील्ड के अंदर बनता है, 96% यील्ड में बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो एस थी, तो यहाँ पर भी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो भी क्या होगी, एस, रिटेंशन रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन जो रिएक्टेंट की थी कॉन्फ़िगरेशन वही सेम रहेगी प्रोडक्ट की भी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ होफमैन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ 3-अमीनोपिरिडिन फ्रॉम निकोटिनामाइड। 3-अमीनोपिरिडिन कैन बी मेड फ्रॉम निकोटिनामाइड बाय होफमैन रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल हेयर, यहाँ पर हमने लिया है निकोटिनामाइड, इसकी हमने रिएक्शन कराई ब्रोमिन इन एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और फॉर्मेशन होगी 3-अमीनोपिरिडिन की। ये एक होफमैन रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर जो आपका अमाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया है अमीन में। और जैसे कि हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था कि होफमैन रीअरेंजमेंट में अमाइड में जितनी कार्बन थी उससे एक कम कार्बन बनती है अमीन में, तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमीन कैन बी सीन हियर इज वी कैन प्रिपेयर
फोरामिनोपिरिडिन फ्रॉम पिरिडिन फॉर कार्बोक्सामाइड। ये जो आपका कंपाउंड है इसको ये है आपका फोर कार्बोक्सोपिरिडिन। यहाँ पर जो फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है अमाइड, इसकी वजह से इसका नाम हो गया है पिरिडिन फोर कार्बोक्सामाइड। जब हम पिरिडिन फोर कार्बोक्सामाइड की सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है फोर अमीनोपिरिडिन की। जो ये आपका अमाइड ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन के अंदर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ 3,4-डाइमिथॉक्सी एनिलीन फ्रॉम 3,4-डाइमिथॉक्सी बेंजामाइड। यहाँ पर हमने लिया है 3,4-डाइमिथॉक्सी बेंजामाइड। 3,4 मीन्स हेयर दिस इज नंबर 1, 2, 3 एंड दिस पोजिशन इज 4। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ 3,4-डाइमिथॉक्सी बेंजामाइड। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं एक सोल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम हाइपोक्लोराइड से तो फॉर्मेशन होगी दिस कंपाउंड की। ये जो कंपाउंड इसका नाम है 3,4-डाइमिथॉक्सी एनिलीन। यहाँ पर भी जो आपका अमाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अमीन ग्रुप में। ये भी होफमैन रीअरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने होफमैन रीअरेंजमेंट से अमीन कैसे बनाते हैं ये प्रोसेस पढ़ी। अनदर एप्लीकेशन ऑफ होफमैन रीअरेंजमेंट कैन बी सीन इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ होफमैन रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बनाया है बीटा एलेनाइन। बीटा एलेनाइन को हमने बनाया है सक्सिनेमाइड से। यहाँ पर हमने ये सक्सिनेमाइड लिया है। सक्सिनेमाइड जो है इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा। आपको पता है कि जो सक्सिनेमाइड के अंदर दोनों के दोनों जो कार्बोनिल हैं ये आपके इक्विवेलेंट हैं, तो आपका हाइड्रोक्साइड किसी भी कार्बोनिल पर अटैक कर सकता है। हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा एक कार्बोनिल की कार्बन पे, बॉन्ड जो कार्बन और नाइट्रोजन का था ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अमाइड दिखाई दे रहा होगा। जो ये अमाइड बना है ये फर्दर रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से इन बेस इन अल्कली लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और जो अमाइड ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। तो यहाँ से हमने प्रिपरेशन की है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड भी हम होफमैन रीअरेंजमेंट से बना सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सिंथेसिस ऑफ एंथ्रा एनिलिक एसिड। हेयर दिस इज एंथ्रा एनिलिक एसिड। इट कैन बी प्रिपेयर्ड वाया होफमैन रीअरेंजमेंट। द रिएक्शन फॉर दिस फॉर्मेशन प्रिपरेशन इज गिवन हेयर। यहाँ पर हमने लिया है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड सबसे पहले रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जहाँ पर वाटर लॉस होता है और फॉर्मेशन होती है थैलामाइड की। अब जो ये थैलामाइड बना है ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अटैक रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोक्साइड कार्बोनिल की कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होती है अमाइड की। अब जो ये अमाइड बना है ये होफमैन रीअरेंजमेंट के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा अमीन के अंदर और ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है एंथ्रा एनिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम एंथ्रा एनिलिक एसिड की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होफमैन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट द अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस होफमैन रीअरेंजमेंट इज सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो होफमैन रीअरेंजमेंट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी अमाइड लिया है, हाइड्रोक्सी एसिड अमाइड लिया है। इसकी हमने रिएक्शन की क्लोरीन से इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की। ये जो रिएक्शन है ये भी एप्लीकेशन है होफमैन रीअरेंजमेंट की। Thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe the channel Chemistry Hi-Fi so that you can get the notification of my latest video earliest.